हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ क्राइम्स वन आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2022। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया, सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। तो पेपर कोड है 669 LLB फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन अप्रैल 2022 LLB लॉ ऑफ क्राइम्स IPC। क्वेश्चन नंबर वन है, देख सकते हैं आप इसका। स्टेट ऑफ AP वर्सेस आर पुनैया इज अ लीडिंग केस ऑन, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिफाइंस पब्लिक सर्वेंट, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? C-21 यानी सेक्शन 21 होता है। नेक्स्ट, KM नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज अ लीडिंग केस ऑन, तो इसका ऑप्शन सी है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो आपने एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी यानी 2016 या उसके आसपास में आई थी, शायद 2016 ही है, रुस्तम नाम था। तो वो मूवी इस केस पे बेस्ड था, जो ये केस था, फेमस केस है KM नानावती वाला। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिफाइंस, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 354C। नेक्स्ट, रूपन देवल बजाज वर्सेज KPS गिल इज लीडिंग केस ऑन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज रिलेटेड टू माइनर, ये किडनैपिंग होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, इसमें सेवेंथ में ऑल द एबव होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। एट्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड वॉज इंसर्टेड बाई एक्ट नंबर 22 ऑफ 2018, तो 376 AB यानी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, नाइन्थ का क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, चारों ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउस ब्रेकिंग इज ऑप्शन ए करेक्ट है, हाउस ट्रेसपास। तो यहाँ पे मैं जो छोटा क्वेश्चन है इसलिए उसको रीड कर रहा हूँ कि ये आप क्वेश्चन भी पढ़ लें और ऑप्शंस भी पढ़ लें। जो बड़ा क्वेश्चन है मैं अगर उसको पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जिससे हमें यहाँ पे टाइम बचाना है। तो इसलिए जो बड़े क्वेश्चन है उसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, बस आपके स्क्रीन पर रहेगा, आप देख सकते हैं। फिर जो 11th क्वेश्चन है ये बड़ा है, इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 12th इसका कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 416 होगा। नेक्स्ट, तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज लीडिंग केस ऑन, तो ये रेप पे था, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। डकैती इज कमिटेड बाय 5 or more persons, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिफाइंस क्रिमिनल ब्रिच ऑफ ट्रस्ट, तो 405 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो मोरल प्रॉपर्टी और डिसऑनेस्टी यानी ऑनेस्टली, यानी बोथ ए एंड बी दोनों होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि रॉबरी के लिए कौन सा होता है? सेक्शन 390 होता है। डकैती के लिए सेक्शन 392 नहीं होता है। चीटिंग के लिए सेक्शन 415 होता है। स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 410 होता है। नेक्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, इन ऑल रॉबरी देयर इज, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, 21th का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट, ऑल द एबव होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो 497 है। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज लीडिंग केस ऑन, एडल्टरी पे था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 24th का है, 24वां का है, 494, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट है। त्रिलोक सिंह वर्सेस सत्यादेव इज अ लीडिंग केस ऑन रॉबरी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिफाइंस एक्सटॉर्शन, तो 383 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है।
27th का ऑप्शन ए करेक्ट है, 28th का ऑप्शन डी करेक्ट है, 29th का ऑप्शन सी करेक्ट है 362। नेक्स्ट 30 का जो है किडनैपिंग हुआ तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आर वर्सेस गोविंदा इज लीडिंग केस ऑन कल्पेबल होमिसाइड तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। 32nd इसका है ऑप्शन सी करेक्ट है अटेम्प्ट होगा। नेक्स्ट इसका कौन सा सेक्शन होगा 339 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे मैच होता है करेक्टली मैच है ये। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट इज अ डीबीएस हार्ट तो ऑप्शन यानी ऑल द एबव यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। इट इज सेड टू कॉज हार्ट इफ कॉजेज टू एनी पर्सन तो इसमें भी ऑल द एबव यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। डॉरी डेथ इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच सेल नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स बट विच मे एक्सटेंडेड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट डॉरी डेथ मे बी कॉज विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो 303 होता है यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें 301 यानी सेक्शन 301 करेक्ट है यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे ऑल द एबव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ मर्डर तो यानी ऑल द एबव होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिफाइंस मर्डर तो 300 होता है यानी 300 ये ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड तो इसके एक्ट होता है इंटेंशन होता है नॉलेज होता है यानी ऑल द एबव होगा ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट इसका 159 यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे 5 होगा यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। राइटिंग इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्यूलिटी तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन ए करेक्ट है अवेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस। नेक्स्ट इसका ऑप्शन सी करेक्ट है अवेटिंग बी टू कमिट मर्डर। नेक्स्ट इसका ऑप्शन डी करेक्ट है ऑल द एबव। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिफाइंस ऑफेंस 40 है 40 यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट इसका ऑप्शन बी करेक्ट है मर्डर। नेक्स्ट इसका ऑप्शन ए करेक्ट है कॉमन इंटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज रिलेटेड टू कॉमन इंटेंशन 34 होता है। नेक्स्ट ऑल द एबव होगा। नेक्स्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है 57th में 58th में ऑल द एबव करेक्ट होगा। 59th में क्या है ऑल द एबव करेक्ट होगा ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच इज डन बाई यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट होगा यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे 90। नेक्स्ट 63 इसका ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन डी करेक्ट है नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डज नॉट रिक्वायर गुड फेथ 87 यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। एज ऑफ कंसेंट फॉर डिफाइन अंडर सेक्शन 87 ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज 18 ईयर्स है यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। 66th का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 67th का ऑप्शन ए करेक्ट है कौन सा सेक्शन होगा 86। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ईयर्स ऑफ एज यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है सेक्शन 81 होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे ऑल द एबव होगा यानी लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर लॉफुल मीन्स तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। स्टेट ऑफ ओरिसा वर्सेज भगवान बारिक इज लीडिंग केस ऑन
तो नन ऑफ द एबव यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण इज अ लीडिंग केस ऑन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड रिलेटेड टू एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो 84 होगा यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म सेक्शन 95 यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है नो ऑफेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड रिलेटेड रिलेट्स टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है ए एंड सी बोथ यानी 76 और 79 सेक्शन होगा, तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑल द एबव हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन पेनल कोड इंटेंशन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल एक्सेप्शन अंडर इंडियन पेनल कोड मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द इंडियन पेनल कोड रिलेट्स टू जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 29 ये करेक्टली मैच नहीं यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वेदर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन, तो ऑप्शन ए क्या है माइंड, ऑप्शन बी क्या है रेपुटेशन, ऑप्शन सी क्या प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी क्या ऑल द एबव, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा ऑल द एबव। नेक्स्ट द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरी थिंग विच इज, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है ऑल द एबव। व्हेन अ पर्सन इज सेड टू कॉज एंड इफेक्ट वॉलंटरीली, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है ऑल द एबव होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिफाइंस रॉन्गफुल गेन, तो सेक्शन 23 होता है यानी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पब्लिक सेक्शन 12, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड रिलेट्स टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट द इंडियन पेनल कोड कंटेंस बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। द इंडियन पेनल कोड केम इन टू फोर्स ऑन जनवरी 1 यानी 1 जनवरी 1862 को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। एक नंबर ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज 45 होता है यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मेंस रिया इज नॉट इसेंशियल, ऑल द अबव यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द मेंस रिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे ऑल द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटल कंडीशन नेग्लिजेंस रेकलेसनेस डिसऑनेस्टली, ऑल द अबव, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। मेंस रिया इज द स्टेट ऑफ माइंड इंडिकेटिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है कल्पेबिलिटी। नेक्स्ट समथिंग विच प्रॉम्प्ट अ मैन टू फॉर्म एन इंटेंशन इज कॉल्ड, तो मोटिव होता है यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है ऑल द एबव। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, यहाँ पे ऑल द एबव होगा, ह्यूमन बींग भी होता है, मेंस रिया, एक्टर्स रिजल्ट, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है ऑल द एबव। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफाइंड क्राइम एज रॉन्ग्स हुज सेक्शन इज पनिटिव, तो कैन ही नाम, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। द क्राइम इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। एंड लास्ट वन द क्राइम इज एन इनविटेबल फिनोमिना एंड यूनिवर्सल फिनोमिना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है बोथ ए एंड बी। यहाँ पे वीडियो का एंड, अगर आपको कोई डाउट होगा तो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुपरपीडिया, सुपरपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ डॉट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।